back to my channel. This is Jaya. I hope you all are fine. If you are new to my channel, I'd be really happy to take a moment and subscribe to my channel below and press the bell icon for latest updates. So guys, मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कंफ्यूजन हो रही है कि आप लोगों को नॉन कॉलेज से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो क्लियर नहीं हो पाए हैं. मुझे लगा कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी बच्चों के जो डाउट्स है और जो भी क्वायरीज है वो मेरे पास कंटिन्यू आए जा रही हैं, क्योंकि फिर मेरे को लग रहा है कि मैं एक बार इंस्टाग्राम पे आपको मैंने अपडेट भी दिया था कि मैं लाइव आऊँगी, तो आप उस पर अपनी क्वायरीज मेंशन करिए ताकि मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई कर सकूँ. ठीक है, एट द मोमेंट मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ, बट फिर भी बहुत बच्चों की उस टाइम पर ज्वाइन नहीं करा था लाइव को, तो नहीं मैं बच्चों की क्वायरी सॉल्व कर पाई. ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली Q&A उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनके डाउट्स अभी मेरे पास आ रखे हैं और मैं वो ही डिस्कस करूंगी आपसे. तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जो हर ज़रूरी मतलब जो भी बच्चे का डाउट्स है एक दूसरे का, तो वो डिस्कस हो जाएगा और जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर भी हो जाएंगी. अगर एक बच्चे का डाउट डिस्कस करूंगी तो क्या पता वही डाउट किसी और बच्चे का हो. अब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगी तब आप वही डाउट सेम डाउट आप लोग मेरी वीडियो में ऑलरेडी मैं उसको मैंशन कर देती हूँ कि ये इसका मतलब ऐसे क्लियर कर देती हूँ उसका पूरा, बट फिर उसके बाद भी बच्चे सेम ही डाउट पूछते हैं, तो ये चीज़ मत करिए. ठीक है, क्योंकि एक बार मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर देती हूँ उसी डाउट में, तो आप सेम चीज़ बार बार मत पूछिए. दूसरा क्वेश्चन आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. तो गाइज प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ बिना देर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, बिकॉज NCVAP से रिलेटेड आपके एडमिशन हो जाएंगे नॉन कॉलेज के. ठीक है, देन NCVAP के एडमिशन के बाद जो भी एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है सेमेस्टर वाइज और जो भी चीज़ें होती हैं NCVAP से रिलेटेड, सारी चीज़ की वीडियो मैं आपके इस चैनल पे मतलब मेरे चैनल के थ्रू आपकी तरफ आपके पास पहुंचेंगी. तो प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है, एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, बिकॉज जिन बच्चों को चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ उनके पास पहुँचनी चाहिए. तो मेरी वीडियो आप लोग अपने जो भी फ्रेंड्स हैं गर्ल्स, जो भी फ्रेंड्स हैं रिलेटिव में जो NCVAP कर रही हैं या ज़रूरी नहीं है इस साल जिन बच्चों का, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैं जो नॉन कॉलेज में इस साल में एडमिशन लेना चाहते थे, बट आप लोगों का नहीं हुआ बिकॉज आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, क्योंकि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन इस टाइम अप्लाई हुए थे, बट कुछ बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि जो इस ईयर में आपके न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लगने वाले हैं. जैसे कि जिन बच्चों के हाई मार्क्स थे, हाई परसेंटेज थी, उनके भी एडमिशन सेकंड थर्ड कट ऑफ में नहीं हुए क्योंकि वो एलिजिबल ही फर्स्ट कट ऑफ के लिए थे. तो इस चीज़ के लिए बहुत बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं, तो वो टेंशन मत लीजिए. अगर आप अपना एक साल ड्रॉप भी करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है. अगर नहीं करना चाहते तो यू विल गो विथ इग्नू एंड SOL. ठीक है, तो चलिए आप देर ना करते हुए मैं एक एक बच्चे का डाउट जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ. तो फर्स्टली मैं जो स्टार्ट करूँगी वो आता है DM से. ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था, इस टाइम भी मैं मेंशन कर सकती हूँ. ये है लास्ट हमारा रिक्वेस्ट आई है बच्चों की मैसेजेस, उसी में मैं देख रही हूँ. ठीक है गाइज, बैकग्राउंड नॉइज अगर आपको लग रही है तो प्लीज इग्नोर. ठीक है ना, फर्स्ट है हमारा रेनू शाक्या. ठीक है, इन्होंने बोला है, हेलो मैम, एक क्वेश्चन है, मुझे NCVAP में एडमिशन करना है, मैं कौन से कॉलेज में करूँ, मोतीलाल नेहरू या सत्यवती कॉलेज में लूँ, कौन सा कॉलेज अच्छा है प्लीज़ बता दो. तो जैसे कि मैं हर वीडियो में एक ही सेम चीज़ आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को लेकर नहीं बोल सकती कि दिस कॉलेज इज बेस्ट और दिस कॉलेज इज बेस्ट. ओके, तो सेम कॉलेज आप लोगों के जो फर्स्ट जो थिंग आती है जो आपको देखनी पड़ेगी वो है कि जो नियर बाई है आपके, आप उसमें जा सकते हो. ठीक है, और जो आपके घर से मतलब नियर बाई है उसमें तो जाओगे, और जो थोड़ा प्रॉपर थिंग आपको लगता है कि आप यहाँ से ट्रैवल भी कर पाओगे और आप डेली का आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है वो कॉलेज दिखने में भी अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिखने वाइज आप मत जाइए कि वो दिखने में अच्छा है तो वो कॉलेज अच्छा होगा. कॉलेज सारे अच्छे होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप कैसे स्टडी करते हो, वहाँ की फैकल्टी कैसी होती है. ठीक है, अब ये चीज़ तो किसी को नहीं पता ना, अंदर की बात किसको पता कि कौन से कॉलेज में कैसी फैकल्टी आ रही है. ठीक है, तो बट इसमें बच्चे ने पूछा है मोतीलाल नेहरू और सत्यवती कॉलेज, तो मैं तो मोतीलाल से पढ़ी हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर नहीं बोलना चाहूँगी आप मोतीलाल में जाओ. ठीक है, आपकी चॉइस है,
आप किसी में भी जा सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है दिया कश्यप। इन्होंने पूछा है, हेलो दी, आई वॉन्टेड टू डू यूपीएससी कोचिंग, ओके, सो आई डिसाइडेड टू गो विथ एनसीवेब एज मैनेजिंग कोचिंग एंड रेगुलर कॉलेज विल बी टफर। मतलब इन्होंने ये पूछा है कि उनको यूपीएससी कोचिंग लेनी है और डिसाइड क्या किया इन्होंने, आई डिसाइड टू गो विथ एनसीवेब एज मैनेजिंग कोचिंग एंड रेगुलर कॉलेज विल बी टफर। मतलब रेगुलर कॉलेज भी करना है और क्या कहते हैं एनसीवेब में साथ साथ कॉलेज करेंगे और रेगुलर भी करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एनसीवेब में अगर अपनी क्लासेस ज्वाइन करोगे तो रेगुलर कॉलेज के साथ आपका नहीं हो पाएगा। यूपीएससी अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको नॉन कॉलेज के साथ करना पड़ेगा, तभी आप मैनेज कर पाओगे। और अगर नॉन कॉलेज में भी सेमेस्टर वाइज इस साल हो रहा है तो आप एसओएल के साथ चले जाओ, बट अगर एनसीवेब में आपका आ रहा है तो आप एनसीवेब के साथ ही जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ठीक है दी, आपको कोई फ्रेंच ट्यूटर पता है? सॉरी, फ्रेंच ट्यूटर नहीं पता मुझे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डाउट पांडा हट, पीजी डेवी अच्छा कॉलेज है ना, मेरे घर से 15 मिनट का रास्ता है। बिल्कुल सही है, अगर आपके यहाँ से पास में है तो आप बिल्कुल बिल्कुल वहां जाइए, बिकॉज जो पास में होता है आपको वहीं जाना चाहिए, ठीक है। डीएम में ये सारे डाउट्स हैं और कमेंट्स में जो हमने कमेंट दिया था, सॉरी कमेंट, ठीक है। शिट, अब हम आते हैं कमेंट्स में, सॉरी गाइस थोड़ा वेट करना बिकॉज इंटरनेट ही वर्क नहीं कर रहा। मैंने आपके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लिए थे बट इतने सारे हो गए, कंफ्यूज हो गई हूँ मैं, इसलिए मैं डायरेक्ट ही खोलूंगी। फर्स्ट कमेंट हमारा आया है प्रिया दी, आपके पास कौन सा कोर्स था एंड बीकॉम से रिलेटेड? अच्छा, बीकॉम से रिलेटेड बुक्स के बारे में एक वीडियो बना दो, हमें कौन सी बुक चाहिए होंगी। तो मेरा कोर्स बीकॉम था, ओके, और बीकॉम से रिलेटेड बुक्स की वीडियो मैं, ठीक है, लेके आऊंगी प्रॉपर वीडियो आपके लिए कि आपको बीकॉम में कौन सी बुक चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा तन्नु, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग सच ग्रेट एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर अस, थैंक यू सो मच। आप लोग जब ऐसे कमेंट्स करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ। अगर आप मेरे को अच्छे कमेंट नहीं करेंगे और प्रॉपर तरीके से कोई मतलब इतना नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर मैं भी क्यों वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, माई एडमिशन वॉज डन इन द फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट इन हंसराज कॉलेज, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट आई हैव अ डाउट, English plus whole science BA program is in Hindi or in English medium? Yes, this doubt is most common because ये बहुत सारे students पूछ रहे हैं कि English और Hindi medium जो है वो आप तभी fill कर सकते हैं जब आप examination form fill करोगे, तब आप वहाँ पे mention करोगे कि you choose English medium or Hindi medium. This is already your choice, ठीक है, ये आपकी choice है कि आपको कौन सा medium choose करना है। आप जिस टाइम पे वो जिस टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे आपको उसी टाइम चूज करना है, तो आप वही एग्जाम अपना उसी मीडियम में दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोनिका नेगी, एनसीवेब में एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या? एनसीवेब में एडिशनल सब्जेक्ट आप अपनी तरफ से नहीं ऐड कर सकते, आपको चॉइस ईयर्स में मिलेगी, फर्स्ट ईयर में आई डोंट थिंक सो है, बाकी सेमेस्टर वाइज का इतना मेरे को क्लियर नहीं है, जो सब्जेक्ट वाइज है वो आपको आपके एग्जामिनेशन के टाइम और वैसे अभी क्लासेस का टाइम पता लग जाएगा। चारू अरोड़ा, मैम सीवीएस में बीकॉम रेगुलर में नहीं है, सिर्फ एनसीवेब वालों के लिए है। सीवीएस में बीकॉम रेगुलर में नहीं है, सिर्फ एनसीवेब वालों के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये किसने बोला? नेक्स्ट है हमारा संजय, इसका तो हो गया रिप्लाई, ओके। नेक्स्ट कमेंट्स पे आते हैं हम, ये कमेंट्स जो अभी रिसेंटली आ रहे हैं क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर दोबारा से कमेंट आएंगे बच्चों के। तो नेक्स्ट है हमारा अभिषेक चौहान, अच्छा अभिषेक चौहान जी, अप्लाइड फॉर एनसीवेब एडमिशन बट कॉलेज सेंट रिमार्क दैट आधार नॉट अपलोड एंड एप्लीकेशन स्टेटस डॉक्यूमेंट पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन फर्दर, व्हाट आई नीड टू डू? जब आपको कोई भी आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो आपको वह लिखा हुआ आएगा, सबसे पहले तो आप ये चीज क्लियर करिए कि जब आपका आप अप्लाई करते हैं
तो एकदम आपका एकदम मतलब एग्जैक्ट टाइम पे उसी टाइम आपका अप्रूव नहीं होता गाइस, आपको वेट करना होता है 1 or 2 days। ठीक है, आप वेट करोगे तब कॉलेज की तरफ से कॉलेज रिमार्क्स में अप्रूवल आएगा या रिजेक्ट होगा जो भी चीज होगी। बट और जो आपकी चीज पेंडिंग होगी वहां पे वो लिखा हुआ आएगा कि आपकी ये चीज अपलोड नहीं है तो प्लीज अपलोड दिस, और आपको साथ में मेल आईडी भी प्रोवाइड होगी। मेल आईडी जो भी चीज प्रोवाइड होगी आपको उस पे मेल करनी है एडीयू को। ठीक है, ये चीज करनी है आपको। तो अभिषेक चौहान आपको जो है अपनी आईडी मेल करनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा गरिमा शर्मा, ओनली वन क्वेश्चन, एनसीवेब सोल और रेगुलर का सिलेबस सेम होता है? नो, अलग होता है। सोनिका नेगी, एनसीवेब में एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या? शायद अभी बताया मैंने इनका डाउट ना, एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ऐड कर सकते। नेक्स्ट है हमारा न्यू सब्सक्राइबर हर्षिता ठाकुर, थैंक यू सो मच आप लोग, थैंक यू गाइस जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है, दिल से थैंक यू आप सब लोगों को। ठीक है, और प्लीज मेरी वीडियो और भी शेयर करिए मेरे को, ताकि आप लोगों के सब्सक्राइब करते हैं तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, और चीज लास्ट एक और डाउट है, एक तो डाउट्स इतने मिक्स हो जाते हैं ना। हाय दी, एनसीवेब में ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है क्या? बिल्कुल होता है, ओरिएंटेशन भी होता है, फेस्ट भी होता है, फेयरवेल भी होता है, सब होता है। आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए, एंजॉय करोगे, फुल एंजॉय करोगे। आप ये मत सोचना कि आप ऐसे हॉल में जा रहे हो या किसी में भी, ठीक है, फुल एंजॉय कर रहे हैं, आपको एकदम मस्ती में पढ़ाई करनी है। सारी आपकी पार्टीज होने वाली है वहां पे, जो भी चीज आप पार्टीज वगैरह पे, सोसाइटीज, पॉलिटिकल इलेक्शन, ये सब चीजें नहीं है। बाकी आपको एक बार ड्यू का आईडी मिल जाएगा तो आप किसी भी फेस्ट में जा सकते हो, कहीं पे भी। बट अभी आप फेस्ट की सोच रहे हो, पहले ये सोचो कि इंडिया वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है अभी इस टाइम, कहाँ से फेस्ट हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल तो ओपन नहीं हो रहे। ठीक है, बट जब भी होगा तो, क्योंकि लास्ट ईयर जिन बच्चों ने एडमिशन लिए थे उन बेचारों के तो 2 साल घर में बैठे हुए बीत गए। आप प्रे करिए कि आप कॉलेज जा पाए। ठीक है, और भी रिप्लाई है, मानसी चौहान ओके, इनका रिप्लाई है, थैंक यू मैम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, कमेंट है सॉरी, थैंक यू मैम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। जिन जिन बच्चों ने मेरे को थैंक यू बोला, थैंक यू, दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, बहुत मुझे इन्फॉर्मेटिव, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मतलब उन सारे बच्चों को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं मेरे को। और बाकी गाइस, आपको एनसीवेब से रिलेटेड, आप इसके बाद भी अगर बच्चों के डाउट बच रहे हैं तो कमेंट करिए, डीएम करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। ठीक है, ओ टेलीग्राम ग्रुप तो रह गया, उसको भी खोल लेती हूँ, वेट वेट वेट, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन करते हैं, सॉरी उसको भी देखते हैं, बच्चों के डाउट है, बिल्कुल है इसमें तो डाउट। हाय मैम, जैसे नेहा, अभी रेगुलर वालों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है, क्लासेस भी 22 से स्टार्ट होंगी, हमारी कितने टाइम बाद होंगी? तो आपकी क्लासेस मैंने जैसे बोला अभी रिसेंटली एडमिशन चल रहे हैं तो अभी तो क्लासेस स्टार्ट नहीं होने वाली। ठीक है, जब आपके एडमिशन एकदम क्लोज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट आउट है हमारा पी से क्या, पिका बू, वाह व्हाट इज द, बहुत सही नाम है आपका। योर एप्लीकेशन स्टेटस, आपका एप्लीकेशन ब्लैंक दिखा रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपने अप्लाई करा है? अगर आपने अप्लाई करा होगा तो जरूर दिखाएगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भव्य शर्मा, दिस गर्ल इज वेरी वेरी सीरियसली वेरी वेरी गुड और वेरी मतलब अमेजिंग। इन मतलब भव्य शर्मा, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स पूछे एकदम, और एकदम ना जैसे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने खिचड़ी सी पका के पूछे, और इन्होंने पूरा प्रॉपर अपना नंबर वाइज में, जैसे कि फर्स्ट हसीन मानो उन्होंने पूछा था, एकदम नंबर वाइज में पूछा था कि मेरे को कंफ्यूजन ना हो, और प्रॉपर उन्होंने हर चीज का बोला है। यू आर सो हेल्पफुल दी एंड योर वीडियोज टू दी, प्लीज अपडेट रहिएगा, थैंक यू, आपके साथ में अपडेट रहूंगी, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरे को इंस्टा पे फॉलो करोगे। हाँ जी, और लास्ट बार जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है, प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम पे मेरे चैनल को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि चैनल का लिंक मैंने दिया नहीं था,
सॉरी पर चैनल का लिंक भी इस बार मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपको फॉलो करना है मुझे इंस्टा पे, और मेरे यूट्यूब चैनल को तो मस्ट है आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, बिकॉज एनसी वेब से जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, बहुत ही यूजफुल लगी होगी। अगर 1% भी आपको मेरी वीडियो यूजफुल, हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज 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 टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अगर जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है एनसीएफ से रिगार्डिंग, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेरीज, एनी डाउट रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग एनसीएफ, एंड साथ साथ आपकी जो मस्ती वाले व्लॉग्स है साथ साथ चलते रहेंगे मेरे चैनल पे। ओके, थैंक यू।